तो हाय गाइस, आज मैं जाता हूँ फिशिंग करने। बट वहाँ पहले से कुछ लोग फिशिंग कर रहे थे, वो भी देखे किस तरह फेंकने वाले जाल को वो खींचने वाला जाल बना लिए थे, क्योंकि बहुत देर से फेंक लिए, उसमें नहीं पकड़ा रहा था शायद। उसके बाद उन्होंने खींचने वाला जाल बनाया, क्योंकि दोनों तरफ से पकड़ लिए थे और नीचे जाल को रख के खींच रहे थे। और एक तरफ से देखिए भैया कैसे मछली को भगा रहे हैं, दोनों जान कितने अच्छे से गाइस मछली पकड़ रहे हैं। हमारे गांव में एक से एक टेक्निक से मछली पकड़ देंगे गाइस, न्यू न्यू स्टाइल से। आपने ऐसा टेक्निक देखा था कि नहीं, फेंकने वाले जाल से उसको रगड़ खींच रहे थे गाइस। देखिए अब एक तरफ से मछली को भगा रहे हैं, जिससे मछली जाल में आ जाए। देखिए उनकी वाइफ ही शायद, वो भी देखिए कैसे मछली को भगा रही हैं। मेरे से पूछ रही थी कि मछली ऊपर ऊपर से भाग जा रहा था गाइस। मैं बोला मेरे को भी कुछ पीस दे देंगे, दे दो क्या? तब बोले उनके लोग कि हम दे देंगे कुछ पीस अगर पकड़ा जाएगा। तब मैंने देखे कितना मेहनत से गाइस उन लोग मछली पकड़ते हैं। मैं वीडियो बना रहा था, फिर थोड़े दूर उधर निकलने वाले थे, तब मैं जाके उधर से वीडियो बनाने के लिए बैक कर दिया कैमरा को। गाइस ये देखिए, इधर से मैं वीडियो बनाने आया, तब भी कितना मेहनत से वो जाल को पीछे खींच रहे हैं और इधर मछली को भगा रहे हैं एक साइड से। ये फेंकने वाला जाल है गाइस, ये देखिए किनारे में आ गए और जाल को छोड़ देते हैं गाइस, जिससे मछली ना भाग पाए। क्योंकि फेंकने वाला जाल के किनारे किनारे लोहा का गुटी बंधे रहता है और एक हाथ में उनके मछली पागा है। मैं बोला कौन सा मछली है, तो एक छोटा सा मछली बोली और बता रही थी कि सब किनारे किनारे मछली भाग जा रहे हैं। मछली पकड़ना बहुत ही मुश्किल का बात है गाइस, देखिए कितना सब्र कितना मेहनत लगता है। इसके लिए तो आप एक लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाइएगा गाइस, क्योंकि मैं जब भी वीडियो डालूं आपको पहले हमारा वीडियो मिल जाए और घंटे का आइटम को छू दीजिए गाइस, जिससे नोटिफिकेशन आपके पास पहुँच जाए। देखिए भैया जाल को धीरे धीरे कैसे खींच रहे हैं, जिससे मछली ना भागे, एकदम बहुत सब्र का काम है गाइस मछली पकड़ना। और आप जरूर बताइएगा ऐसा फिशिंग आपने देखा था कि नहीं। हमें तो बहुत मज़ा आता है, फिशिंग हमारा हॉबी है गाइस बहुत, हमें इसलिए हम वीडियो बनाते रहते हैं जहाँ भी जाते हैं मछली पकड़ने के लिए, या कोई भी पकड़ते रहते हैं उसको देख लेते हैं। जूम करके दिखाया गाइस, देखिए कैसे जाल को खींचे, शायद कम मछली आया लगता है। तभी देखिए मिट्टी को हटाने के लिए जाल को कैसे कर रहे हैं गाइस, कितना मेहनत का काम है। तब वो जाल को लेके बाहर आ जाते हैं। देखिए अब मैं दिखाता हूँ आपको कितना सारा फिश पकड़ाया, अभी तक तो मेरे को एक भी पीस नहीं दिख रहा है गाइस, एक छोटा सा पीस दिखा। ये दे अभी आप पकड़ के आपको मैं दिखाता हूँ, ये छोटा सा पीस एक फ्लाइंग बार है गाइस, बहुत ही प्यारा। बट मेरे को लगता है ये मर गया था, फिर देखता हूँ कुछ बड़ा वाला पीस मिल जाए। बट काई काई बहुत दिख रहा है, एलगी गाइस देखिए ये तालाब में कितना एलगी है गाइस, इसलिए मछली इसी में फंस जाता है, भाग जाता है गाइस, जाल में नहीं आता है। बहुत ही मेहनत के बाद मछली पकड़ाता है गाइस, वीडियो भी बहुत मेहनत लगता है, इसलिए तो एक लाइक बनता है गाइस। देखिए अभी मैं बड़ा वाला मछली आपको पकड़ के दिखाता हूँ, एक बास का बच्चा लगता है। ये देखिए गाइस कितना मस्त पीस, इसके लिए लाइक कर दीजिए गाइस और सब्सक्राइब करके जाइएगा, घंटा का आइटम को छू दीजिएगा, जिससे आपको हमारा हमेशा का वीडियो दिखते रहे, नोटिफिकेशन आपके पास आते रहे। ये देखिए गाइस नेट के द्वारा कैसे फिशिंग करते हैं, हम आपको दिखाए हैं कितना मेहनत करना पड़ता है। हम भी नेट से भी फिश पकड़ते हैं, बट फेंकने वाला नेट नहीं है गाइस हमारे पास, कभी मौका मिले तो हम भी खरीदेंगे ये वाला, बहुत मेहनत करना पड़ता है भाई, हमसे तो नहीं फेंकाता है वो भैया, कितना अच्छे से फेंकते हैं। कभी और फेंकते रहेंगे तो वीडियो बना के डालूंगा, एक दो वीडियो डाला हूँ मैं फेंकने वाला, बट आज वो फेंकते हुए मैं नहीं पहुँच पाया था, क्योंकि पहले से वो जाल को खींचने वाला कर लिए थे। अभी हम दिखाते हैं वो कितने सारे फिश पकड़ा, ये दे देखिए गाइस बाल्टी में इतना फिश पकड़ा है इतना दिन भर मेहनत के लिए। प्लीज लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए।